प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अकबर बीरबल की श्रृंखला में। आज फिर से मैं उपस्थित हूँ एक और नई कहानी के साथ। आज की कहानी है अकबर बीरबल और 100 अशर्फियाँ। अशर्फियाँ, ये शब्द कहीं सुना है इससे पहले? इसका मतलब भी आप सभी को नहीं पता होगा, तो चलिए मैं बताती हूँ। जिन्हें पता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। तो अशर्फियों का मतलब होता है सिक्के। पुराने ज़माने में सिक्कों को अशर्फियाँ कहा जाता था। तो आइए बढ़ते हैं अब कहानी की ओर। अकबर का बहनोई बीरबल से बहुत ईर्ष्या करता था। अब ये बहनोई शब्द आया, तो ये बहनोई कहाँ से आए, कैसे आए, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो अकबर जो थे, उनकी बहन का नाम था बख्शी बानो और उनके जो पति थे उनका नाम था शरीफुद्दीन हुसैन। यही थे अकबर के बहनोई, क्योंकि बहन के पति को क्या कहा जाता है? बहनोई। तो अब कहानी की ओर चलें। अकबर का बहनोई बीरबल से बहुत ईर्ष्या करता था। उसने अकबर से बीरबल को उसके पद से हटाकर उसे रखने के लिए कहा। बीरबल को इस बात का पता चलते ही बीरबल ने स्वयं ही त्यागपत्र दे दिया। अब बीरबल ने स्वयं त्यागपत्र क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने मन में सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से अकबर और उनके बहनोई के संबंध खराब हो जाएं। तो इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि मुझे स्वयं ही त्यागपत्र दे देना चाहिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। इस प्रकार अकबर का बहनोई मंत्री बन बैठा। अकबर ने उनको मंत्री तो बना दिया, किंतु उनके मन में बहुत शंका आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई, बीरबल तो बहुत चतुर थे और तीव्र बुद्धि के थे, अब देखा जाए कि नए मंत्री के क्या हाल हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दिन सोचा कि नए मंत्री की परीक्षा लेना ली जाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने नए मंत्री को 300 स्वर्ण अशर्फियाँ दी और कहा, इन्हें इस प्रकार खर्च करिए कि 100 अशर्फियाँ मुझे इसी जीवन में वापस मिल जाएं, दूसरी 100 अशर्फियाँ परलोक में, और शेष अशर्फियाँ ना तो यहाँ मिले और ना ही वहाँ। मंत्री परेशान हो गया, उसकी तो अब रातों की नींद ही उड़ गई, और वह इस गुत्थी को हल करने की सोचने लगा। लेकिन उस कई रातें निकल गई, उसको समझ ही नहीं आए कि भाई अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और ऐसा सोचते 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 कई दिन बीत गए। जब कई दिन बीत गए तो उन्होंने क्या किया, वो थक गया। उसने सोचा अब तो मुझे कोई युक्ति नहीं सूझ रही है, और वो पहुंच गया कहाँ, वही जो उनके दरबार में, अकबर के दरबार में सबसे चतुर बुद्धि के हुआ करते थे। तो आप सभी समझ गए होंगे ना किसके पास पहुंच गया। वो पहुंचा सीधा बीरबल के पास और फिर उनसे सहायता मांगी। अब चूंकि बीरबल तो बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने उस व्यक्ति की, मतलब उनके जो अकबर के बहनोई थे, उनकी सहायता करने के लिए निर्णय ले लिया और फिर उनसे पूरी स्थिति को जाना। बीरबल सहायता के लिए जब सहमत हो गए, तो आइए देखते हैं उन्होंने आगे क्या किया। फिर एक थैले में अशर्फियां रखकर बीरबल शहर की सड़कों पर चला जा रहा था। तभी उसने एक धनवान सेठ के घर उसके बेटे का विवाह का उत्सव होते हुए देखा। बीरबल ने वहां पहुंचकर सेठ को 100 अशर्फियां दी और कहा, बादशाह ने आपके पुत्र के लिए आशीर्वाद भेजा है। सेठ अत्यंत प्रसन्न हुआ, वो बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, अरे वाह, बादशाह अकबर ने और मेरे पुत्र के लिए इतना सारा आशीर्वाद, वो तो फूला नहीं समाया। तो उसने फिर क्या किया, उसने बीरबल को स्नेहपूर्वक सोने के सिक्कों की थैली तथा राजा के लिए कई सारे उपहार भिजवाए। बाद में बीरबल ने बादशाह अकबर के नाम से गरीबों को भोजन और वस्त्र बंटवाए। यह कार्य उन्होंने दूसरी 100 सिक्कों के बल में किया। अब बचे थे आखिरी 100 स्वर्ण सिक्के, तो उसका क्या किया, आइए जानते हैं। शहर वापस लौटकर बची हुई 100 अशर्फियों से बीरबल ने एक संगीत समारोह का आयोजन करवाया। अब इन सब की खबर किसको लगी, बादशाह अकबर को। और बादशाह अकबर के मन में ये उत्सुकता जाग उठी
कि भाई पता तो किया जाए कि बीरबल जो है वो मेरे बहनोई की सहायता तो कर रहे हैं, अर्थात मेरे मंत्री की सहायता तो कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत उत्सुक हो गए कि वो किस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो पता था, उन्हें तो विश्वास था बीरबल की तीव्र बुद्धि और चतुरता पे। तो उनके मन में वो उत्सुकता जागी कि भाई जानना तो चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीरबल को अपने दरबार में बुलवाया और उनसे पूछा कि बीरबल बताइए आपने ये सब कैसे किया। बीरबल ने बताया, जो धन सेठ को दिया गया वह इसी जन्म में राजा जी आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा, जो धन गरीबों पर खर्च किया गया उसका फल आपको परलोक में मिलेगा, और जो धन संगीत समारोह पर खर्च किया गया उसका फल ना तो आपको यहाँ मिलेगा और ना ही वहाँ। बीरबल की बुद्धिमत्ता से अकबर गदगद हो उठा। इसी बीच ये हुआ कि अकबर के जो बहनोई थे, जो मंत्री बन गए थे, उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया और उन्होंने अपने पद से तुरंत अपना त्याग दे दिया, क्योंकि उन्होंने राजा को अपना त्याग पत्र सौंप दिया और बीरबल को सह सम्मान उनके पद पर वापस अकबर के द्वारा बैठाया गया। तो आप सभी को आज की ये कहानी कैसी लगी? तो आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दोस्तों पर खर्च किया गया पैसा हमेशा वापस आता है, दान पर खर्च किया गया धन हमेशा भगवान के आशीर्वाद में परिवर्तित होता है, भोग विलास पर खर्च किया गया धन केवल आनंद देता है, उससे ना ही हमें कोई पुण्य मिलता है और ना ही उससे हमें कोई लाभ प्राप्त होता है। तो आपको आज की ये कहानी आशा करती हूँ बहुत पसंद आई होगी, और अब हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय, टाटा, नमस्ते।